Welcome to English Made Easy. In my last video, I have already discussed about present tense. So today we will discuss about past tense. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको present tense के बारे में बताया था, अभी मैं past tense के बारे में बताऊंगी. Past tense यानी कि भूतकाल. Present tense के समान ही इसके भी चार भेद हैं. जैसे हमारा present tense में simple present tense था, अब हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे कि मैंने वर्तमान काल में भी समझाया था प्रेजेंट टेंस में भी कि वर्तमान काल भी चार तरह के होते हैं, तो पास्ट टेंस भी चार तरह के होते हैं. बीता हुआ समय भी चार तरह का होता है. सिंपल पास्ट यानी सामान्य पास्ट. पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पास्ट समय में भूतकाल में जो काम हो रहा था. जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ रही थी. आई वॉज रीडिंग. पास्ट परफेक्ट जैसे वर्तमान में हमने कहा था कि मैं किताब पढ़ चुकी हूँ, इसमें हम कहते हैं मैं किताब पढ़ चुकी थी. जैसे आप हिंदी में भी बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना कि कल जब वो मेरे घर आया मैं सो चुका था, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं बचपन में उस स्कूल में पढ़ा करता था, मैं इस ऑफिस में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था. तो इस कर रहा था जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं. Thank you for watching my video. Bye bye.